नमस्कार, मैं सीमा मलिकानिया। मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूंग दाल का हलवा। ये मेरी बहुत प्यारी आंटी की एक रेसिपी है जिन्होंने बहुत साल पहले मुझे सिखाई थी और आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। मूंग दाल का हलवा सब पार्टियों की शान होता है और इसको हम कभी भी त्यौहार पे, कभी भी अपने घर पे, छोटे मोटे फंक्शन पे या कभी भी मीठा खाने का दिल करे तो इसको हम बना के खा सकते हैं। तो आइए देखें उसके लिए क्या क्या चाहिए। मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए, ये मैंने धुली हुई मूंग दाल ली है जिसको मैंने कपड़े से अच्छी तरह से साफ करके रखा है, और ये चीनी है, घी है और थोड़े ड्राई फ्रूट है, ये बादाम है जिनको बारीक काट के रख लिया है, थोड़े से मग्स हैं ये मैं थोड़ा रोस्ट करूँगी, और ये किशमिश है, ये काजू हैं जो बारीक काट के रखे हैं, और ये आधा चम्मच इलायची पाउडर रखा हुआ है, और इधर ये दूध है और ये पानी। फ्रेंड्स, अब ये जो मूंग दाल है इसको मैं हल्का रोस्ट करूंगी और उसके बाद मैं पीसूंगी इसको। पहले थोड़ा सा मैं रोस्ट कर लेती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से पीस जाए। इसको मीडियम आंच पे रोस्ट करेंगे। अगर आप जो मूंग दाल ले रहे हो उसमें ज़्यादा पाउडर है तो आप उसको धो के थोड़ा सुखा के कपड़े से पोंछ के फिर आप थोड़ा सा रोस्ट कर लें ताकि पीसने में आसानी हो और अच्छे से इसका हल्का दरदरा सा पाउडर बन जाए। सब ये मूंग दाल हमारी रोस्ट हो गई है, मैंने इसको करीब मध्यम आंच पे 5 मिनट रोस्ट किया है। तो अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी और ठंडा होने पे इसको मिक्सी में हल्का दरदरा सा पीसूंगी। फ्रेंड्स, अब ये दाल ठंडी हो गई है तो इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, अब ये दाल हमारी पीस की है और ये इस तरह से बिल्कुल सूजी जैसा, जैसे हमारी सूजी होती है उस तरीके का इसको हल्का दरदरा पीसना है। फ्रेंड्स, अब दाल हमारी पीस की है और इसको अब मैं ये जो दूध है दूध के साथ इसको भिगोऊंगी। दूध रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, दूध फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए इसके लिए, और इसको 2 घंटे तक हमने भिगो के रखना है। इसको दाल को मैंने ऐसे भिगो के रख लिया था, 2 घंटा पहले ही भिगो के रख लिया था, और वो आपको मैंने पीस के दिखा दिए कि किस तरीके से उसको पीसना है, और ऐसा ही सूखा आपने इसको रखना है। मैंने हल्का सा गीला रखा था पर अब ये फूल के ऐसे इसने दूध को सोख कर लिया है, तो इसको अब हम घी में फ्राई करेंगे। अब मैं घी डाल रही हूँ कढ़ाई में और इसमें अब हम इस जो भिगोई हुई दाल है उसको मैं इसमें रोस्ट करूँगी, अच्छी तरह से भूनूंगी इसके अंदर। थोड़ा घी बचा के रखूँगी जो मैं लास्ट में डालूंगी, क्योंकि जो मूंग दाल का हलवा होता है उसमें घी थोड़ा ज़्यादा जाता है, ज़्यादा घी हो तो अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, अब ये घी थोड़ा गर्म हो गया है, मैं इसमें दाल डाल रही हूँ। अब फ्रेंड्स, इसको हमने अच्छी तरह से घी में भून लेना है। जो दूध में, जिस दूध में भिगोया है वो दूध आप फुल क्रीम भी ले सकते हैं और मलाई वाला दूध भी आप ले सकते हैं, तो कोई मावा वगैरह से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग इसमें मावा भी डालते हैं इसको अच्छा रिच फ्लेवर देने के लिए। फ्रेंड्स, इसको मीडियम आंच पे ही हमने अच्छी तरह से भूनना है जब तक ये जो दाल है वो घी ना छोड़ना शुरू कर दे। अब इसने सारा घी जो है वो सोख कर लिया है तो ये घी छोड़ देगी और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसको 10 मिनट हो गए हैं मुझे भूनते हुए और ऐसे ही अभी थोड़ी देर और भूनना पड़ेगा, 10 मिनट और लगेंगे इसको, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा खिलना शुरू हो गया है। मैं मीडियम आंच ही रखी हुई है, ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि नहीं तो एकदम से ही जल जाएगा। धीरे धीरे इसको भूनूंगी ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छा आए। फ्रेंड्स, अब दाल काफ़ी हद तक भुन चुकी है तो जो मैंने अभी जो ड्राई फ्रूट रखे हैं वो इसमें डाल देती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से, वो भी अच्छी तरह से भुन जाए इसमें और थोड़ा क्रिस्पीपन आए उनमें। ये
ये जो मैंने मग्स रखे थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ी देर इसको अच्छे से इसमें भूनूंगी, तब तक दाल भी जो थोड़ी सी इसमें रह गई है कसर वो भी पूरी हो जाएगी। और इसमें अब हल्का सा जो कलर है इसका वो भी चेंज हो गया है और ये बहुत अलग अलग बिल्कुल खिला खिला सा हो गया है ये। और इसको ऐसे ही करना है, इसमें लम्स नहीं रहना चाहिए, अगर लम्स रहेंगे तो वो दाल बीच में से कच्ची रह जाएगी। तो आप भी ऐसे कोशिश करें कि अच्छी तरह से उनको भूनें, थोड़ा अच्छे से प्रेस करके टाइम लगा के थोड़ा भूनें, क्योंकि इस दाल में हलवे में दाल को भूनने में ही टाइम लगता है, मेहनत तो बहुत लगती है पर ये स्वाद भी उतना ही होता है। तो आप अच्छा हलवा अगर बनाना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत कर लें। फ्रेंड्स से बाकी ड्राई फ्रूट भी मैं इसमें डाल रही हूँ, बादाम डाल दिए मैंने और ये काजू डाल दिए। थोड़े से मैंने रख लिए हैं ताकि जो लास्ट में मैं इसका थोड़ा सा इसको सजाने के लिए। सब दाल जो है हमारी है, हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। दाल जो है अभी हमारी हो ही गई है लगभग, कलर भी इसका चेंज हो गया है और इसने घी भी थोड़ा छोड़ना शुरू कर दिया है और कढ़ाई से भी नहीं चिपक रही है। आप भी फ्रेंड्स कोशिश करें कि अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई है तो आप उसमें बनाएं, क्योंकि उसमें थोड़ा इजी रहता है, दाल नीचे बिल्कुल नहीं चिपकती है। नहीं तो दूसरी कढ़ाई होती है उसमें थोड़ा दाल चिपकती है तो मेहनत तो और भी ज़्यादा करनी पड़ती है। इसमें ये होता है कि दाल चिपकती नहीं है और थोड़ा आसान हो जाता है। फ्रेंड्स अब ये किशमिश भी मैं इसमें डाल रही हूँ और दाल अब बिल्कुल भुन गई है। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और जो पानी मैं इसमें डालूंगी, अभी गैस बंद इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं इसमें अभी चीनी मिक्स करूंगी और पानी डालूंगी। पानी मैं इसमें गर्म यूज़ कर रही हूँ तो आप भी गर्म पानी यूज़ करें। अब मैं चीनी भी इसमें डाल रही हूँ। फ्रेंड्स जितनी दाल ली थी मैंने उतनी ही चीनी ली है, और अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा उसमें कम भी कर सकते हैं। और गैस अब मैं ऑन कर रही हूँ और मीडियम थोड़ा रख रही हूँ गैस को। फ्रेंड्स मैंने इसको 25 मिनट लगातार चलाया है भूनने के लिए, ताकि दाल जो है वो हमारी अच्छी तरह से भुन जाए, उसमें कच्चापन ना रहे। फ्रेंड्स अब जो मैंने घी रखा था वो मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए और इसका अच्छा स्वाद आए। अब इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, जो इसमें हमने पानी डाला था वो अच्छी तरह से पक जाए। और इसको फ्रेंड्स देसी घी में ही पकाएं, तभी इसका स्वाद अच्छा रहता है, इसमें रिफाइंड वगैरह ना यूज़ करें। फ्रेंड्स अब हलवा हमारा तैयार है, तो जो हमने इलायची पाउडर रखा था वो मैं इसमें डाल रही हूँ और आप देख सकते हैं कि इसमें से अभी ये घी जितना भी मैंने डाला था वो सब इसने छोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये इसकी निशानी है कि हलवा अब हमारा बिल्कुल रेडी है। और इसका जो पानी है वो बीच में इसमें पानी नहीं रहा है। इसमें इलायची पाउडर ज़रूर डालें क्योंकि इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, ऐसे नहीं तो दाल की हल्की हल्की महक रहती है, तो इलायची पाउडर डाल देंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट हो जाएगा, और भी अच्छा टेस्ट हो जाएगा। बस अब 1 मिनट में हल्का सा इसको हिला के फिर सर्व करते हैं। फ्रेंड्स हलवा हमारा तैयार है, बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी और बहुत खिला खिला हलवा बना है हमारा, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं नई एक नई रेसिपी के साथ जल्द ही। थैंक यू।